press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. एक्वाकल्चर में अब हम प्रॉन फिशरी के बारे में स्टडी करते हैं। प्रॉन फिशरी नाम से लग रहा है कि फिश, लेकिन ये फिश नहीं है। प्रॉन जो होता है आर्थ्रोपोड्स है, और क्रस्टेशियन इसका क्लास क्या है? क्रस्टेशियन, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्रस्टेशियन हैं जिसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट है एज ए फूड और कमर्शियल वैल्यू दोनों तरह से। क्योंकि हमारा हाईली, ये हमारा प्रॉन क्या है, हाईली न्यूट्रिटिव डाइट है, किसके लिए, आपका ह्यूमन बींग के लिए, और टेस्टी फूड है फॉर ह्यूमन बींग। साथ ही साथ प्रॉन फिशरी जो है वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में यूएसए के बाद दूसरा अपना स्थान रखता है, जिससे हमें क्या होता है, फॉरेन करेंसी हमें क्या होता है, इंपोर्ट करते हैं, मतलब हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं और फॉरेन करेंसी हमारा मिलता है। तो इससे क्या हुआ, यानी कमर्शियल वैल्यू भी इसका बहुत ज्यादा हो गया। और प्रॉन को हम कैच करते हैं इंडिया में, जहां पे सबसे ज्यादा वो प्लेस हमारा क्या है, केरला और मुंबई के कोस्ट मतलब समुद्र के किनारे वाले जगह है, जहां पे हम 92.4% ऑफ टोटल प्रॉन का कल्चर करते हैं, मतलब प्रोडक्शन करते हैं इन इंडिया में। तो हम प्रॉन का कल्चर कैसे करते हैं, तो प्रॉन का कल्चर हम फोर हमारा कैटेगरीज है जिससे हम प्रॉन का कल्चर करते हैं। फर्स्ट क्या है, सैलो वाटर प्रॉन फिशरी। सैलो वाटर से नाम से ही लग रहा है कि सैलो मीन्स जहां पे डेप्थ ज्यादा ना हो, वाटर क्या हो, छीछला हो, तो कहते हैं सैलो वाटर प्रॉन फिशरी। हम इसका अलग पूरा कहां होता है अभी लॉन्ग स्टडी भी कराएंगे। इस्चरी एंड बैक वाटर और ऑल्सो कॉल सेलाइन लैक प्रॉन फिशरी। पहले हम जान लें कि इस्चरी क्या है। इस्चरी इज अ प्लेस, क्या, माउथ ऑफ रिवर। माउथ ऑफ रिवर को हम क्या कहते हैं, इस्चरी कहते हैं, या दूसरे शब्दों में कहते हैं बैक वाटर, यानी वहां वाटर जहां बैक हो रहा, यानी जहां पे नदी और हमारा समुद्र मिलता है उस प्लेस को और उस जगह को हम क्या कहते हैं, इस्चरी कहते हैं। सलाइन लैक प्रॉन फिशरी, सलाइन लैक प्रॉन फिशरी क्यों क्या है, क्योंकि वहां वाटर क्या है, सलाइन है। तीसरा क्या है, फ्रेश वाटर प्रॉन फिशरी। हम जब प्रॉन का कल्चर फ्रेश वाटर में करते हैं तो इसको फ्रेश वाटर प्रॉन फिशरी कहते हैं। और मराइन प्रॉन फिशरी क्या हुआ, जब हम पूरी तरह से मैरीन वाटर में करते हैं, सी में करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, मैराइन प्रॉन फिशरी। तो हमारा सैलो वाटर प्रॉन फिशरी भी क्या होता है, फिशिंग जो हम प्रॉन का करते हैं वो कहाँ पे करते हैं, वेस्ट कॉस्ट इन इंक्लूडिंग वेस्ट कॉस्ट में, और कहाँ पे, मालाबार कॉस्ट और केरला, ठीक है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या ध्यान देना है कि ये रेस्ट्रिक्टेड होगा सैलो कोस्टल वाटर में, और डेप्थ इसकी कितनी होनी चाहिए, 18 मीटर। इस्चरी एंड बैक वाटर, जिसको हम क्या कह सकते हैं, सलाइन लैक और प्रॉन फिशरी, ये कहाँ हम करते हैं, मेन एरिया या प्रिंसिपल एरिया ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्रॉन का। ये मेन एरिया क्या है, ये एक्सटेंड करता है फ्रॉम साउदर्न हाफ ऑफ केरला कोस्ट एंड माउथ ऑफ हिल स्ट्रीम इन मालाबार एरिया। और बहुत सारा ऐसा प्लेस है जहां पे हम क्या करते हैं, आपका इस्चरी, हमारा इस्चरी कल्चर या प्रॉन इस्चरी प्रॉन कल्चर करते हैं। ये इंपॉर्टेंट एक जगह का हमारा क्या नाम है, चिल्का लैक है। इस्चरी ऑफ रिवर गंगास एंड ब्रह्मपुत्रा आर इंपॉर्टेंट प्रॉन फिशिंग एरिया। किस चीज के लिए, आपका इस्चरी और बैक वाटर प्रॉन फिशरी के लिए। अब फ्रेश वाटर प्रॉन फिशरी के बारे में जानते हैं। फ्रेश वाटर प्रॉन फिशरी क्या है, यानी हम जिस प्रॉन का फ्रेश वाटर में कल्चरिंग करते हैं। तो प्रॉन आर कैच फ्रॉम द रिवर पॉन्ड और लैक, और साथ ही साथ सम स्पीसीज इसकी आल्सो फाउंड इन ब्रैकिश वाटर। इन ब्रैकिश वाटर कब, जब रेनी सीजन में, वहां पे रेनी सीजन में जो रेन का पानी मिल जाता है तो उसकी सैलिनिटी कम हो जाती है, तो उस समय भी हम क्या कर सकते हैं, फ्रेश वाटर कल्चर कर सकते हैं। फाइनली मैरीन प्रॉन फिशरी, मैरीन प्रॉन फिशरी मीन्स मैरीन या मराइन बोले तो ये क्या है, सी वाटर में हम मोस्टली कर सी वाटर में ही करते हैं। तो ऐसे प्रॉन को हम कैच करते हैं फ्रॉम इंडियन ओशन, बिलोंग टू चीफली टू फैमिली। इसकी एक इस पे आपका क्या है, चीफ आपका क्या है, एक स्पीसीज है या फैमिली है जिसको हम क्या कहेंगे, पेनिएडी, ठीक है। और इसका थ्री कॉमन मोस्ट जेनरा है, इस जेनरा का नाम क्या है, पेनियस, मेटापेनियस और पैरापेनियस, जिसका हम क्या करते हैं, मैरीन कल्चर करते हैं। ये थ्री जेनरा का हम मैरीन कल्चर करते हैं। प्रॉन फिशरी के बाद हम स्टडी करेंगे प्रॉन की स्पीसीज जिसका हमको कल्चर करना है। तो ये प्रॉन की स्पीसीज हमारी क्या होगी, एक्वेटिक होगी और फ्रेश वाटर होगा। एक्वेटिक मीन्स मरीन और फ्रेश वाटर होगा। तो एडिबल प्रॉन जेनरा और स्पीसीज कॉमनली जो है हमारा वो क्या है, पीनियस इंडिकस, और क्या बोल सकते हैं, पीनियस मोनोडॉन।
ये आपका अभी मैंने बताया कि ये सब क्या है, मरीन स्पीसीज का मेटापीनियस एफिनिस, मेटापीनियस डॉब्सोनी, मेटापीनियस मोनोसेरस, ठीक है। तीसरा हमारा क्या है, पैरापीनियस स्कैप्टिलस, पैरापीनियस स्टाइलीफेरा, ठीक है, पेलीमोन फ्लूमिनिकोला और पेलीमोन आपका स्टाइलीफेरस। फिफ्थ हमारा क्या है, जो इडिबल प्रॉन जेनरल स्पीसीज है वो क्या है, मैक्रो ब्रैंकियम कार्सिनस, मैक्रोबेक्रम आइडिकम और मैक्रो ब्रेंशियम रोजनबर्जी, जिसमें मैक्रो ब्रैंकम कियम रोजनबर्जी जो है हमारा वो क्या है, लार्ज साइज फ्रेश वाटर है, इडिबल है और इसका कल्टीवेशन हम क्या करते हैं, फ्रेश वाटर हमारा रिवर पॉन्ड और ये सब में इजिली करते हैं। तो अब हम इसके क्या करेंगे, प्रोसीजर को देखेंगे कि हम इसका कल्चर कैसे करते हैं। तो कल्चरिंग के बारे में हम देखते हैं, कल्चर ऑफ फ्रेश वाटर प्रॉन के बारे में हम सबसे पहले देखते हैं। तो फ्रेश वाटर प्रॉन में हमारा एक स्पीसीज है मैक्रोब्रैंकियम रोजनबर्गी। मैक्रोब्रैंकियम रोजनबर्गी क्या है, ये लार्ज साइज फ्रेश वाटर प्रॉन है जिसका हम क्या करते हैं, कल्चर करते हैं। और इसलिए कल्चर करते हैं क्योंकि हमारा एम ऑफ कल्चर हमेशा क्या होता है कि इजिली हम इसको कलेक्ट कर लें और ये हमारा इजिली क्या हो, आपका कल्चर किया जाए, रेयर कर किया जाए, रेयरिंग किया जाए और मार्केटिंग वैल्यू है, तो गुड टेस्ट भी है इसका। तो सबसे पहले कलेक्शन, तो कलेक्शन हम इसका कहाँ से करते हैं, कलेक्शन ये इजिली रिवर पॉन्ड और जो हमारा स्लाइटली स्लाइन वाटर है वहां से ये हम इसको कलेक्ट करने के बाद इसको क्या करते हैं, हम इसको स्पॉनिंग ग्राउंड या जहां पे स्पॉनिंग के लिए हम लोग इसको तैयार करेंगे, टैंक स्पॉनिंग टैंक बोलिए, स्पॉनिंग ग्राउंड बोलिए, वहां हम इसको लाएंगे। तो इसका कलेक्शन कैसे करेंगे हम, प्लास्टिक बैग्स में, प्लास्टिक बैग और बाम्बूज बास्केट जो हमारा क्या होगा, एक्वेटिक प्लांट से भरा होगा और इसको ट्रांसफर करते हैं हम क्या, नाइसली एरेटेड टैंक। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि हम कलेक्शन करने के बाद इसको उस जगह पे पहुंचाएंगे जहां पे इसका स्पॉनिंग हो। तो मैच्योर जो भी हम मेल और फीमेल प्रॉन को कलेक्शन करते हैं उसको हम ब्रीडिंग के लिए देते हैं। ब्रीडिंग आफ्टर ब्रीडिंग ये क्या करेगा, एग लेइंग करेगा, एग लेइंग के बाद क्या होगा, हैचिंग होगा। ये देखिए हमको क्या पढ़ना है, कलेक्शन रिप्रोडक्शन, जिसमें हम क्या करेंगे इसको, रिप्रोडक्शन के बाद स्पॉनिंग वो एग ले करेगा, हैचिंग करेगा, हैचिंग के बाद हम इसका रियरिंग और स्टॉकिंग करेंगे और फाइनली क्या करेंगे इसका हार्वेस्टिंग करेंगे और एक्सपोर्ट करेंगे या मार्केट वैल्यू इसका रेट कमर्शियल वैल्यू हमारा क्या होगा इसका पता चलेगा। और इसके बाद इसके बाय प्रोडक्ट्स भी होते हैं। तो कलेक्शन के बारे में आप जानेंगे कि इजिली हम इसको क्या कर रहे हैं, रिवर से आपका पॉन्ड से और फ्रेश वाटर जो हमारा जो भी प्लेस है वहां से हम कलेक्ट किया। आफ्टर कलेक्शन हम क्या कर रहे हैं, इसको रिप्रोडक्शन के लिए हम क्या कर रहे हैं, स्पॉनिंग टैंक तैयार कर रहे हैं फॉर कमर्शियल पर्पस। नॉर्मली हम क्या करेंगे, पेयर ऑफ आपका क्या करेंगे, पेयर ऑफ प्रॉन को हम क्या करेंगे, 60 लीटर कैपेसिटी जो है हमारा उस एक्वेरियम में हम इसको रख देंगे। लेकिन अगर कमर्शियल वैल्यू हमारा होगा तो हम क्या करेंगे इसके लिए एक स्पेशल आपका प्रोग्रामिंग को क्या करेंगे, प्लान करेंगे और इसके लिए हम इसका स्पॉनिंग टैंक बनाएंगे जिसमें हमारा क्या होगा, लंबाई चौड़ाई जो भी है ये मेजरमेंट क्या होगा 200। देखिए हम जो टैंक का फॉर्मेशन करेंगे 200 आपका, फिर 100 और 50 हमारा, ये इतना सेंटीमीटर का हम क्या करेंगे टैंक तैयार कर सकते हैं। अदरवाइज क्या कर सकते हैं हम 300, ठीक है 150 और क्या यहाँ पे हम 40 मेजरमेंट चौड़ाई लंबाई का थोड़ा सा चेंजेस हो सकता है और ये 50 सेंटीमीटर का हम क्या करेंगे स्पॉनिंग टैंक को तैयार करेंगे। और इस स्पॉनिंग टैंक में हम क्या करेंगे स्पॉनिंग करेंगे क्योंकि जैसे ही ये मेटिंग करता है फर्टिलाइजेशन के 24 आवर्स के बाद ही क्या करेगा ये मेटिंग के एग को ले करता है। तो हम पेयर को क्या करेंगे इस कंडीशन में कमर्शियल वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे इसमें आपका 12 से या फिर आप कह सकते हैं 10 से 12 पेयर हम क्या किए प्रॉन को डाले और इसमें अबाउट 24 या उससे ज्यादा 30 पेयर को हम क्या किए आपका स्पॉनिंग टैंक में डाले। स्पॉनिंग टैंक में डालने के समय हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो एरेटेड हो, नाइसली एरेटेड हो और इसमें वाटर का आपका जो सी वाटर है उसमें हम उसमें मिक्स करेंगे ताकि स्पॉनिंग अच्छा हो। स्पॉनिंग के तुरंत बाद हमारा वो क्या करेगा मतलब एक लेइंग होगा, एक लेइंग के बाद हमारी क्या प्रोसीजर होने लगेगी हैचिंग, मींस एक ले आप क्या होगा लार्वा क्या होगा हैच आउट होगा फ्रॉम द एग। तो
हैचिंग के समय हमें सबसे पहले क्या ध्यान देना है? हैचिंग लार्वा हमारा स्पॉनिंग हुआ, एक को ले किया, उसके लिए हमने कमर्शियल क्या किया, टैंक का क्या किया, फॉर्मेशन किया और उसको मेंटेन किया। अब हम क्या करेंगे, उसके हैचिंग के लिए ध्यान देंगे। तो हैचिंग के लिए हमारा क्या है, हैचिंग के लिए भी हम टैंक को तैयार करेंगे, तो इसके लिए हमें ध्यान देना पड़ेगा सीमेंटेड टैंक। और ये टैंक की हमारी लंबाई चौड़ाई जो भी है वो क्या है आपका 200 से 325 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये भी ध्यान रखना है कि ये फिल्ड हो आपका 2:3 and 1:3 ratio ऑफ वाटर। जहां पे हमारा ये टैंक होगा हैचिंग टैंक, वहां पे इसमें वाटर का आपका कौन सा वाटर का कनेक्शन होना चाहिए, स्पॉनिंग, जहां पे वहां स्पॉनिंग हुआ था उस वाटर, मान लीजिए स्पॉनिंग टैंक है हमारा, तो इसके वाटर और जो जहां से हम कलेक्शन किए थे और हम स्पॉनिंग करा रहे थे सी वाटर, क्या किए हम दोनों वाटर को क्या किए मिक्स किए, और किस टैंक में हम इसको डाले, हम इसको डाले हैचिंग टैंक में, ताकि अच्छे से हैचिंग हो। तो 1:3 ratio वाटर ऑफ स्पॉनिंग और सी वाटर को हम डाले ताकि अच्छे से हैचिंग हो। इसके बाद ये भी ध्यान देना है कि टेम्परेचर ऑल्सो मेंटेन द टेम्परेचर, क्या करेंगे हम टेम्परेचर को मेंटेन कर रहे हैं, और टेम्परेचर हमारा उस समय उस टैंक में कितना होना चाहिए, 24 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस। साथ ही साथ हमें यह भी ध्यान देना है कि पीएच भी हमारा मेंटेन हो, पीएच हमारा क्या होना चाहिए 7 to 8, ठीक है। अब क्या होगा, हैच हो गया एग, हैच हो गया और बहुत सारे लार्वा का फॉर्मेशन हो गया। अब लार्वा क्या करेगा, फीडिंग करेगा। तो एक दिन में लगभग जब नया उसका हैचिंग होता है तो अबाउट लार्वा फीड करता है 4 to 5 times a day, कितने टाइम करेगा 4 to 5 times a day। और इसको हम जो फीडिंग कराते हैं वो फीडिंग में हम इसको क्या देते हैं, फॉर कमर्शियल जो हम उसको कल्चर कर रहे हैं तो क्या देंगे, स्टीम एक कस्टर्ड दे सकते हैं, फिश बॉल दे सकते हैं और फिश एक दे सकते हैं। इसको फीडिंग कराने के लिए हम ये तीन चीज का यूज करते हैं। फीडिंग के बाद ये क्या होता है, इसमें मेटामॉर्फोसिस होगा और लार्वा मॉल्ट हो जाएगा 2 times, ठीक है। दो बार मॉल्टिंग के बाद ये क्या हो जाएगा, आपका फीडिंग जो है उसका हम कम कर देंगे, जो 4 से 5 times दे रहे थे, अब इसको हम क्या करेंगे, दो बार मॉल्टिंग के बाद जब ये हैचिंग करके तुरंत मेटामॉर्फोसिस के बाद थोड़ा साइज में इंक्रीज हो जाएगा, तो हम इसको 2 to 3 days में हम आपका क्या करेंगे, आपका आपका हैचिंग के बाद इसको हम मेटामॉर्फोसिस के बाद इसको 2 to 3 days में ही वो क्या करता है, फीडिंग स्टार्ट कर देता है। और आफ्टर अबाउट 60 days, जब वो 60 days का हो जाएगा लार्वी, मतलब ये लार्वा जो हमारा 60 days का हो जाएगा, तो ये कितने सेंटीमीटर का हो जाएगा, 5 centimeter लॉन्ग, कितने सेंटीमीटर का हो जाएगा, 5 centimeter का लॉन्ग होगा। अब क्या करेंगे, अब हम इसको हैचरी से या हैचिंग टैंक से अब हम इसको ट्रांसफर करेंगे किसमें, रेयरिंग टैंक, जहां पे हम इसका पालन पोषण कर सके और स्टॉक कर सके, रख सके। तो क्या करेंगे, इसको हम ट्रांसफर करेंगे फ्रेश वाटर और स्लाइटरी ब्रैकिस, मतलब वो टैंक हमारा कैसा होना चाहिए, फ्रेश वाटर होना चाहिए और स्लाइटरी ब्रैकिस वाटर होना चाहिए, जिसका टेम्परेचर वहां भी हम मेंटेन करेंगे क्या, 22 degree Celsius से 32 degree Celsius, इन प्रॉपर, और ऑक्सीजन का मात्रा उस पॉन्ड में या टैंक में बहुत अच्छे से होना चाहिए। आपका वो टैंक क्या होना चाहिए, मतलब सारे एकदम क्लीन होना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए इसको क्या चाहिए, फिर फर्दर रेयरिंग और स्टॉकिंग के लिए इसको प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए इसको क्या चाहिए, नेचुरल हैबिटेट चाहिए, और ये टैंक को और पॉन्ड को हम तैयार करते हैं। फिर अब हम देखते हैं रेयरिंग एंड स्टॉकिंग। रेयरिंग और स्टॉकिंग के बारे में हम जानते हैं। रेयरिंग और स्टॉकिंग के लिए सबसे पहले क्या देखेंगे कि पॉन्ड हमारा कैसा होना चाहिए या रेयरिंग टैंक हमारा कैसा होना चाहिए। ये पॉन्ड शुड बी कैप्ट एंड फ्री ऑफ वेजिटेशन एंड प्रीडेटर, मतलब सारे वेजिटेशन और प्रीडेटर से ये पॉन्ड या टैंक हमारा फ्री होना चाहिए, ताकि कोई इसके इनिमी ना हो। नेचुरल फूड फॉर प्रॉपर ग्रोथ, नेचुरल फूड हम इसको देंगे लार्वा को, थोड़ा बड़ा हो गया 5 centimeter हो गया, तो इसको प्रॉपर ग्रोथ के लिए अगर हम नेचुरल फूड देंगे तो क्या होगा, उसमें वो बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा, डेवलप करेगा, मैच्योर होगा। तो नेचुरल हम उसको करने के लिए, इन्वायरमेंट देने के लिए हम क्या करेंगे, उसको हैबिटेट, नेचुरल हैबिटेट के लिए हम क्या करेंगे, 20 kg काउ डंग, ठीक है, उसके साथ मिक्स करेंगे 100 kg लाइम पर हेक्टेयर पर मंथ, यानी हर मंथ में हम 20 kg काउडंग के साथ 10 kg लाइम पर
हेक्टेयर हम उसमें डालेंगे उस पॉन्ड में, और जिसकी वजह से क्या हो, उसको नेचुरल फूड इजिली अवेलेबल हो. जेंटल सर्कुलेशन एंड क्लीनिंग ऑफ वाटर शुड बी मस्ट. क्या करेंगे, हमेशा उसके वाटर को क्लीनिंग करेंगे, सर्कुलेट करेंगे, सर्कुलेशन करेंगे, ताकि कोई बहुत ही ज्यादा उसमें गंदगी ना हो. और ये क्योंकि वाटर ही हमारा क्या है, उसका टेम्परेचर, उसका आपका पीएच मेंटेन करता है उसका प्रॉपर ग्रोथ ऑफ प्रॉन. स्मॉल पीसेस ऑफ इंसेक्ट हम उसको फीडिंग के लिए क्या देंगे, स्मॉल पीसेस ऑफ इंसेक्ट, वाटर फिश, अर्थवर्म, स्पॉइल पेडी, ब्रोकन राइस फ्रूट कैन ऑल्सो बी गिवन एज ए फूड. नेचुरल फूड के साथ साथ हम उसको क्या दे सकते हैं, स्मॉल पीसेस ऑफ इंसेक्ट, वाटर फिश, अर्थवर्म, स्पॉइल पेडी, ब्रोकन राइस फ्रूट कैन ऑल्सो बी गिवन. अब ये नेचुरल कंडीशन में ये क्या होगा, अंडर नॉर्मल कंडीशन में अबाउट 25 सेंटीमीटर से हमारा कितना बड़ा हो गया, 20 सेंटीमीटर इन लेंथ और 100 ग्राम इन वेट में हो जाएगा. कितना, अबाउट 6 मंथ. यानी नेचुरल कंडीशन में जब उसको प्रॉपर ग्रोथ मिलेगा, प्रॉपर इन्वायरमेंट मिलेगा, एरेक्टेड पॉन्ड मिलेगा, तो इसकी ग्रोथ क्या हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर और 100 ग्राम पर हो जाएगा. अब इस तरह इसका हम क्या कर सकते हैं, एक ईयर में, एक साल में हम इसकी 2 बार हार्वेस्टिंग कर सकते हैं और इसको स्टॉकिंग स्टॉक कर सकते हैं, मार्केट ले जा सकते हैं और कमर्शियल वैल्यू से हम क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट करके हम इजिली आप इसका क्या करेंगे, कल्चर कर सकते हैं. तो फ्रेश वाटर कल्चर का हम इसी तरह करते हैं. फ्रेश वाटर कल्चर बहुत ही आसान कल्चर है पर्ल कल्चर का. इसके बाद इसका मार्केट वैल्यू होगा, मार्केट में हम इसको प्लेस करेंगे और वहां पे हमारा कमर्शियल इंपॉर्टेंस इसका होगा. फ्रेश वाटर कल्चर के बाद हम क्या देखते हैं, फिशिंग ऑफ प्रॉन फ्रॉम सी एंड इस्टरी. हम कैसे सी और इस्टरी से प्रॉन का फिशिंग करेंगे. कल्चर तो हम एज इट इज सेम करेंगे, सिर्फ मैरिन में करेंगे, मैरिन वाला मैरिन, फ्रेश वाटर वाला फ्रेश वाटर में करेंगे. लेकिन अब हम मैरिन या सी वाटर या इस्टरी से हम इसका कैसे फिशिंग करते हैं. तो फॉर फिशिंग ऑफ प्रॉन इट्स रिक्वायर्ड क्राफ्ट, गियर, ट्रॉलर, नेट एंड अदर डिवाइस लाइक ए हुक. तो मछली पकड़ने के लिए, मछली बोलते हैं लेकिन ये मछली तो है नहीं, मीन्स इस प्रॉन फिशली को, प्रॉन को पकड़ने के लिए हमें क्राफ्ट की जरूरत पड़ेगी, गियर की जरूरत पड़ेगी, ट्रॉलर की जरूरत पड़ेगी. तो सबसे पहले हम क्राफ्ट के बारे में जानते हैं कि क्राफ्ट क्या है. क्राफ्ट क्या है, बोट, जो नाव या जो बोट को क्राफ्ट हम किसको कहेंगे, बोट को. तो ये कैसे डिपेंड करेगा, इस बोट कैसे फिशिंग में हेल्प करेगा. तो ये कैसे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है डिपेंड ऑन फ्लो. अगर हम बोट कहीं भी चलाएंगे तो हमारा सबसे पहले क्या जानना जरूरी है कि डिपेंड ऑन फ्लो एंड डेप्थ ऑफ वाटर. डेप्थ कितना है, फ्लो कितना है वाटर का, हैबिटेट ऑफ प्रॉन कैसा है, फ्लोरा कैसा है, फौना कैसा है उस वाटर रिजर्वायर में, तब हम इजिली क्या कर सकते हैं, बोट का यूज कर सकते हैं. तो डिफरेंट टाइप ऑफ बोट हम यूज करते हैं फॉर फिशिंग ऑफ प्रॉन फ्रॉम सी एंड इस्टरी. फर्स्ट वेलोम. वेलोम क्या होता है, ये 8.3 to 10.6 meter लॉन्ग होगा. ये मोस्टली ऐसा बोट कहाँ यूज करते हैं, हम लोग केरला में यूज करते हैं और इट इज ऑपरेटेड बाई ये 5 to 6 person. तो अगर हमें फ्लो ऑफ वाटर, डेप्थ ऑफ वाटर, हैबिटेट ऑफ प्रॉन और उसकी फ्लोरा ऑफ फाउना उस के बारे में पता चलेगा तो हम इजिली इसको हैंडल कर सकते हैं. दूसरा है हमारा टेंगुलो वेलाव. ये क्या है, 12.6 से 14 मीटर लॉन्ग होता है और इट इज ऑल्सो यूज इन केरला और इसको 10 to 11% क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं. मसूला 8.5 से 12 मीटर है, इट इज यूज इन काकिंदा. काकिंदा आंध्र प्रदेश में है तो कहां हम यूज कर रहे हैं, काकिंदा टू मचिली पतालन और इसको 8 to 7% क्या करते हैं, हैंडल करते हैं फिशिंग के लिए. नावा, नावा क्या है, 6.4 से 10.7 मीटर है और ये भी यूज किया जाता है काकिंदा में और इसको, ये स्मॉल इन साइज होता है थोड़ा और ये 5 to 6% के द्वारा ऑपरेट किया जाता है. मचुआ, बंगाली लोग ज्यादातर क्या बोलते हैं, मचुआ. तो ये क्या है, 9 to 14 meter लॉन्ग है, ठीक है, ये वेस्ट बंगाल में यूज किया जाता है और 8 to 6% इसको ऑपरेट करते हैं इस बोट को फिशिंग के लिए. और नॉक या नौका जो भी बोलते हैं, तो 10.4 से 13.5 मीटर लॉन्ग है, ये भी वेस्ट बंगाल में यूज किया जाता है और इसे भी 8 to
10% हमारा हैंडल करते हैं फिशिंग के लिए। तो हमने क्या जाना, क्राफ्ट। क्राफ्ट क्राफ्टिंग के बाद हम गियर के बारे में जानते हैं। गियर क्या होता है, इसमें हम लोग नेट, ट्रैप और हुक्स को यूज करते हैं। तो अगर हमें नॉलेज ऑफ फीडिंग, फीडिंग किसका, प्रॉन का फीडिंग, स्विमिंग और ब्रीथिंग बिहेवियर के बारे में मालूम रहेगा, तो हम क्या कर सकते हैं, इजिली प्रॉन को क्या कर सकते हैं, गियर कर सकते हैं, मतलब पकड़ सकते हैं, कैच कर सकते हैं। तो इसके लिए हम डिफरेंट टाइप का क्या यूज करते हैं, नेट, ट्रैप एंड हुक्स। तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप के नेट्स हैं, आप देख सकते हैं। ये नेट क्या होता है, ये नेट मेड होता है किसका, कॉटन का, नाइलन का, हेम्प का और कॉम्बिनेशन ऑफ दीज, ठीक है। तो बहुत सारे नेट में हमारा फर्स्ट क्या नेट है, कास्ट नेट। कास्ट नेट क्या होता है, सिंपल टाइप ऑफ नेट होता है जो ऑपरेट किया जाता है सिंगल पर्सन, ठीक है, सिंगल पर्सन के द्वारा। और जैसे वो नेट क्या करते हैं, नेट पकड़ के हम थ्रोइंग करते हैं पानी में। तो ये हमारा ऐसे नेट को हम क्या कहते हैं, कास्ट नेट। आफ्टर दैट बैग नेट। बैग नेट क्या होगा, बैग की तरह होगा, मीन्स ऊपर से खुला होगा और नीचे तरह से बैग की तरह रहेगा और हम उसको क्या कर सकते हैं, उससे कैचिंग कर सकते हैं। स्टैक नेट, ठीक है, ये आइदर बैग टाइप का होगा या विदाउट बैग होगा। ड्रैग नेट, ड्रैग मतलब ड्रैगिंग करने वाला नेट, तो इसको हम लोग ट्रॉवल नेट भी कहते हैं। और ये इंक्लूड करता है बिग नेट, बिग नेट होता है और ये क्या करता है, टॉट बाई क्राफ्ट, क्राफ्ट नाव या बोट या जिसकी वजह से होता है उसको हम क्या करते हैं, पानी में डालेंगे और ड्रैग करते हुए क्राफ्ट के साथ, नाव के साथ, जो अलग अलग हमारा क्राफ्टिंग सिस्टम था उसके साथ ड्रैग करते हुए हम क्या कर सकते हैं, फिशिंग को कैच कर सकते हैं। ड्रैग नेट के बाद आया हमारा बीम ट्रॉवल। बीम ट्रॉवल क्या है, वेन अपर, ध्यान से दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारे जो है वो पूछे जाते हैं। वेन अपर मार्जिन ऑफ माउथ ऑफ ड्रैग नेट, ड्रैग नेट का अपर मार्जिन ऑफ माउथ क्या होगा, वो फिक्स्ड होगा टू ए बीम, ठीक है, एक किसी भी बीम से, और लोअर मार्जिन उसका हैंग होगा फ्रीली वाटर में। तो इस तरह का हमारा जो भी नेट होगा वो क्या होगा, बीम ट्रॉवल नेट। अब बैरियर नेट, बैरियर मीन्स कोई बैरियर रहेगा। तो इस तरह के बैरियर नेट में क्या होता है, नेट विदाउट बैग, इसमें कोई बैग नहीं होगा और ये फिक्स्ड होगा स्टैक्स फॉर ए लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत दूर दूर के डिस्टेंस, कहां पे, इन ए सी वाटर में, विदाउट टाइड, कोई कहीं पे बंधा नहीं रहेगा। और ये बैरियर नेट दूर दूर तक हमारा क्या होगा, आपका विदाउट टाइड, ये हमारा क्या होगा, बिखरा रहेगा। और इस नेट, बैरियर नेट में एक और खासियत है कि ये नेट पुट करता है बैरियर फॉर स्केपिंग, जो भी हम प्रॉन को कैच किए हैं या कलेक्ट हुआ है वो टाइड वेब से क्या हो सकता है, वहां से स्केप आउट नहीं हो सकता है। अब उसके बाद हमारा गियर में क्या था, नेट, ट्रैप एंड हुक्स। तो सम ट्रैप आल्सो यूज इन फिशिंग ऑफ प्रॉन फ्रॉम सी एंड एस्चुरी। तो ये इसमें हमारा क्या है, ओटाल, भुट्टा गुली, उडुका, थापा, पोलो एसेक्टा, बहुत सारे हम ट्रैप्स को यूज कर सकते हैं, हुक्स को यूज करते हैं, कर सकते हैं, किसके लिए, पकड़ने के लिए, फिशिंग ऑफ प्रॉन फ्रॉम सी एंड एस्चुरी। तो ये सारे क्राफ्ट, गियर, नेट और आपके ट्रैप्स और हुक हमारा यूज होता है कैचिंग ऑफ प्रॉन फिशरी। तो इसके बाद हम लोग इसके नेक्स्ट जो भी पार्ट है वो हमारा क्या बचता है, प्रॉन का प्रोसेसिंग, ठीक है, तो प्रोसेसिंग के बारे में स्टडी करेंगे। आफ्टर फिशिंग हम क्या करते हैं, प्रिजर्वेशन करते हैं और प्रोसेसिंग करते हैं प्रॉन का, क्योंकि जब हम इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं तो अगर कंजप्शन से ज्यादा हो तो हम इसका क्या करते हैं, प्रोसेसिंग और प्रिजर्वेशन करते हैं, क्योंकि हमारा ये कमर्शियल वैल्यू इसका क्या होता है, वैल्यू बढ़ जाता है और फॉरेन करेंसी हम इसको एक्सपोर्ट करके फॉरेन करेंसी को इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि यूएसए के बाद ये इंडिया दूसरा अपना प्लेस रखता है प्रॉन फिशरी के लिए। तो फोर प्रोसेस से हम इसका क्या करेंगे, प्रिजर्वेशन एंड प्रोसेसिंग करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पीलिंग एंड डेवनिंग। पीलिंग्स मीन्स क्या होता है, पीलिंग मतलब छिलना, मीन्स जितने भी उसके सेल पार्ट हैं प्रॉन के, जितने भी उसके एक्स्ट्रा बॉडी जो सेल्स है उन सबको क्या किए, हम उसको छील दिए, मतलब उसके सेल्स को, टिश्यूज को, एक्स्ट्रा जो बाहर के जो है तो उसको हम क्या किए, हटा दिए। और डेविनिंग मीन्स क्या हो गया, डेविनिंग का मीन्स हुआ कि प्रॉन को हम क्या करते हैं, जब सारे सेल पार्ट को, मान लीजिए प्रॉन है तो सारे सेल पार्ट को उसके हटा दिए और जो पल्प बचा है उसमें क्या किए, हम नाइफ से ऊपर क्या किए, एक क्या किए, इससे हम एक कट लगाया और उसके इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को रिमूव करके क्या कर रहे हैं,
मान लीजिए ये प्रॉन है, बहुत ही, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है डेवलिंग, मान लीजिए ये प्रॉन है हमारा, ठीक है, ये प्रॉन प्रॉन है, ठीक है। तो प्रॉन का हम क्या किए, इस पूरा इसका सेल पार्ट जो है वो सब हटा लिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे डॉर्सल पार्ट में एक हम क्या करेंगे, इंसीजर कट करेंगे, ठीक है, नाइफ से। और उसके बाद एक स्ट्रिंग लाइक पतला थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, काले कलर का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, ये क्या है, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है। तो इस इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को हम ऐसे करके हटा दिए, तो इसी को हम कहते हैं डेवनिंग। तो ये प्रोसीजर करके हम क्या करेंगे, उसको प्रिजर्व करेंगे। तो इसको हम देखते हैं, फ्रेश वाटर प्रॉन जो है सबसे पहले क्या करेंगे, बी हेडेड मीन्स उसके सर, मतलब उसको पहले फ्रेश वाटर को क्या करेंगे, उसको जो हमारा फ्रेश वाटर हम जिसको कलेक्शन किए, फिशिंग किए हैं, पहले उसको हम मारेंगे, मौत का सजा या मारना हुआ। आफ्टर डैट क्या करेंगे, पील करेंगे, डिवाइन करेंगे और वॉश करेंगे उसको वाटर से। आफ्टर वॉशिंग हम क्या करेंगे, इसको ऑल रिमूवल ऑफ सेल पार्ट एंड टिश्यू पल्प, सारा सेल पार्ट को रिमूव कर दिए और टिश्यू पार्ट हमारा, टिश्यू पल्प बच गया। आफ्टर दैट इस टिश्यू पल्प को हम फ्रीजिंग ट्रे में क्या करेंगे, रखेंगे, और फ्रीजिंग ट्रे में रख सकते हैं या फिर वैक्स का बना हुआ कार्डबोर्ड जो आउटर साइड से क्या होगा, पॉलिथीन की शीट्स पे लगा होगा, मतलब वैक्स बोर्ड है, या फ्रीजिंग ट्रे में रखें, बर्फ का ट्रे या कार्डबोर्ड की फ्रीजिंग ट्रे में रखें और उसके ऊपर पॉलिथीन को हम क्या कर देंगे, बिछा देंगे। अब उस पर क्या करेंगे, आइस वाटर को ऐड करेंगे उस ट्रे में, हम क्या करेंगे, जहां पे वो आपका प्रॉन रखा है उसमें हम वो क्या करेंगे, आइस वाटर मतलब आइस का वाटर को ऐड करेंगे। आइस के वाटर को ऐड करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, कैप्ट करेंगे इन फ्रीजर, फ्रीजर में हम इसको थोड़ी देर के लिए रखेंगे। और ये टाइम हमारा किस टेम्परेचर पे होना चाहिए, 30-40 डिग्री फारेनहाइट पे, और कितने घंटे के लिए, 3-4 आवर्स, जो हमने डेवनिंग किया, पीलिंग किया, अब उसको फ्रीजर में रख रहे हैं। और उसके फ्रीजिंग के बाद जब ये फ्रोजन में हो जाएगा, तो इसको फ्रोजन ट्रे को क्या करेंगे, जब उसको फ्रीजिंग के लिए रखे तो वो क्या होगा, हार्ड हो जाएगा, टाइट हो जाएगा। अब इस फ्रोजन पार्ट में क्या होगा, वो एकदम से चिपक जाएगा, जैसे बर्फ में आप देखिए फ्रीजर में आकर रखते हैं तो कैसे कुछ चिपक जाता, उसी तरह। तो ये स्टिकी हार्ड हो जाएगा, ऑप्टेन हमें जो मिलेगा। अब इसमें क्या करेंगे, अब इसको हम डीप करेंगे, किसमें, आइस वाटर में। क्यों आइस वाटर में डीप कर रहे हैं, वो तो कड़ा हो ही गया, अगर फ्रीजर के अंदर कोई चीज रखी है, मटर वटर, तो देखिए फ्रोजन हो जाता है, मतलब वो आपका क्या हो जाता है, फ्रोजन हो जाता है। और उसके बाद फिर उसको हम क्या करते हैं, नॉर्मल पानी और ये में रखते तो वो नॉर्मल कंडीशन में आता, सेम उसी तरह हम उसको फ्रोजन करने के बाद क्या किए, डिप किए आइस वाटर में। आइस वाटर में क्यों डिप किए, ग्लेजिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ग्लेजिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि ये डिहाइड्रेशन और ऑक्सीडेशन से बचाता है, किसको, जो हम आप प्रिजर्व कर रहे हैं प्रॉन को। और इसको हम कितने देर के लिए करेंगे, 10-15 डिग्री फारेनहाइट पे हम इसको क्या करेंगे, ग्लेजिंग करेंगे, ग्लेजिंग, ठीक है। क्यों करेंगे, फॉर उसको बचाने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए फ्रॉम डिहाइड्रेशन और ऑक्सीडेशन से। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको रैप, जो पॉलिथीन था उसको रैप करेंगे पॉलिथीन में और स्टोर करेंगे फ्रोजन स्टोरेज में, जहां पे हमारा जैसे स्टोर रूम होता है या स्टोरेज हमारा आलू का होता है, वैसे ही हमारा इसको क्या करेंगे, फ्रोजन स्टोरेज रूम में हम इसको क्या है, 10 डिग्री फारेनहाइट पे हम इसको क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे। तो बहुत ही आसान है पीलिंग एंड डेवनिंग। आफ्टर दैट कुकिंग एंड पीलिंग। अब पीलिंग मतलब आप जान ही गए, छीलना, उसके जितने भी सेल पार्ट है या एक्स्ट्रा जो भी पार्ट है उसको छीलना। लेकिन यहाँ उससे पहले क्या लग गया, कुकिंग। कुकिंग मीन्स हम पहले इसको कुक करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम प्रॉन को क्या करेंगे, वो बॉइल करेंगे। किसमें बॉइल करेंगे, 7-10%, ठीक है, बॉइलिंग ब्राइन वाटर में। कितने देर के लिए, 2-3 मिनट। बॉइलिंग मतलब हमको अब बॉइल करना है, तब हम पीलिंग करेंगे। तो 7-10% हम बॉइलिंग किए इसमें ब्राइन वाटर में फॉर 2-3 मिनट। उसके बाद इसको हम कूल करेंगे। कैसे कूल करेंगे भाई, कूल करने के लिए हमें आइस की जरूरत पड़ेगी। तो आइस से हम कूल करेंगे, कितने देर तक कूलिंग करेंगे, 3-5%। उस आइस में जो कूलिंग करेंगे उसमें 3-5% साल्ट भी आपका, सॉल्ट मीन्स नमक, या कोई भी सॉल्ट या नमक हमारा क्या हो, इस आइस वाटर में हो। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, वॉश करेंगे, और वॉश करके हम उसका पीलिंग करेंगे। क्या करेंगे, वॉश करेंगे, वॉश करने के बाद पीलिंग, सेम यही प्रोसीजर। फिर फ्रोजन करेंगे, फ्रोजन के बाद हम उसको क्या करेंगे, 20 ppm
जो आपका क्लोरीन वाटर था उस पर वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद हमारा पिलिंग का प्रोसेस और फ्रोजन, और फ्रोजन के बाद हम इसको फिर पॉलिथीन में रैप करके क्या कर देंगे, कैंड या जिसमें भी हमें डालना है उस तरह प्रिजर्व कर सकते हैं। थर्ड प्रोसीजर हमारा क्या है, पिलिंग, डेवेनिंग एंड कुकिंग। यहाँ पे हम क्या करें, पहले पिलिंग करें। पिलिंग मीन्स जितने भी टिश्यूज है उसको हटाए, मतलब बाहर के जितने भी सेल्स है उसको हटाए। डेवेनिंग मीन्स बजान ले इंटेस्टाइनल ट्रैक जो है उसका अपर सारा छिल दिया, साफ कर दिया, उसके बाद उसके इंटेस्टाइनल ट्रैक को भी हटा दिया, क्योंकि बहुत लोगों को ये खाने में अच्छा नहीं लगता या देखने में गंदा लगता है। ठीक है, तो डेवेनिंग कर दिया। उसके बाद हम यहाँ कुकिंग पहले करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम कुकिंग बाद में करेंगे। तो कुकिंग कैसे करेंगे, 3 to 5% ब्राइन वाटर में कितने देर के लिए, 3 to 5 मिनट के लिए। और सेम फिर वही प्रोसीजर करेंगे, हम क्या करेंगे उसको कूल वॉश करेंगे, वॉश करने के बाद कूल करेंगे, फ्रोजन करेंगे और स्टोर करेंगे। और फाइनली लास्ट हम प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं, हेडलेस सैलोन। हेडलेस मीन्स क्या हुआ, यहाँ पे हम उसके हेड को, हेड पार्ट को, मान लीजिए ये प्रॉन है रोस्ट्रम इसका, और ये हेड पार्ट है, और ये आपका बाकी का ये पार्ट है। ठीक है, तो क्या किया हम उसके हेड पार्ट को, पहले तो हम पीलिंग के सारे छील दिए, हेड पार्ट को हम क्या किए, सिफेलोथोरिक्स का जो पार्ट है इस पार्ट को हम क्या किए, हटा दिए, कट कर दिए, और उसके बाद बाकी पार्ट को इसको अलग कर दिए, और बाकी पार्ट को हम क्या किए आपका प्रिजर्व करके, सेम प्रोसीजर वही डेवनिंग और पीलिंग इसको प्रोसीज। या फिर हम इसमें एक काम ये भी करते हैं, हेडलेस में हम क्या करते हैं, हेड को हटाने के बाद बाकी सारे पार्ट को हम एज इट इज कैन में या उसको फ्री वॉश करके क्या करते हैं, फ्रोजन कर लेते हैं, और जब जरूरत पड़ता है तो उसके सेल पार्ट को रिमूव करते हैं। प्रोसीजर हमारा डेवेनिंग का कर सकते हैं, या जितने भी प्रोसीजर है उसको कर सकते हैं। तो इस तरह हमारा क्या है, प्रिजर्व कर सकते हैं और प्रोसेसिंग कर सकते हैं प्रॉन का, क्योंकि क्या होता है बहुत ज्यादा प्रॉन का कैच हो गया है, तो ये कंजप्शन से ज्यादा हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका मार्केट वैल्यू हमारा क्या करेंगे, इसको फॉरेन करेंसी, मतलब हमारी कमर्शियल वैल्यू इसका, इसलिए तो इसका कल्चर करते हैं कि हमारा कमर्शियल वैल्यू इसका हो, और इस तरह हमारा क्या होता है, वो बहुत सारे फॉरेन करेंसी जो है हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं और बदले में हमें फॉरेन करेंसी मिलता है। तो ये आपका कंप्लीट टॉपिक है एक्वा कल्चर का, प्रॉन फिशरी का। तो आप लोग को इजिली समझ में आया होगा, और आगे जो भी चीज आपको पढ़ना होगा आप मुझे कंटिन्यू कमेंट्स बॉक्स में बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू।